शनिवारचा महाराष्ट्र बंद यशस्वी करावा असं आवाहन काँग्रेस प्रवक्त्या प्रियंका गुप्ता यांनी केलं आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मतदारसंघातील लेकी सुरक्षित नाहीत, बदलापूर घटनेतील संबंधित संस्था भाजपशी संबंधित म्हणून कारवाईला उशीर, आरोपींना जन्माची अद्दल घडावी अशी शिक्षा देण्यात यावी जेणेकरून पुन्हा कोणत्याही महिलेला अशा दुर्दैवी प्रसंगाला सामोरं जावं लागणार नाही. महाराष्ट्र बंदमध्ये सर्व सोलापूरवासियांनी सहभागी होऊन बंद यशस्वी करावा असं आवाहन अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीच्या प्रवक्त्या त्या प्रियंका गुप्ता यांनी केलं. सबने मिलकर यहाँ पर पूरी तरीके से बंद का आह्वान किया है और बंद के साथ में हमारा ये भी एक जो है रिक्वेस्ट है कि पूरी तरीके से इस केस में न्याय होना चाहिए. इस केस में पास्को एक्ट के तहत उस मुजरिम को पूरी तरीके से सजा होनी चाहिए और ऐसी सजा होनी चाहिए जो नजीर बनकर पेश हो, ताकि फिर कोई दरिंदा किसी बच्ची की तरफ आग उठाकर न दे सके, ताकि फिर कोई हैवान व्यक्ति किसी बच्ची के साथ हैवानियत न कर सके. मेरा ये सवाल है कि क्या सरकार अब सुनिश्चित करेगी कि स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए. सीसीटीवी कैमरे के साथ में जो वहाँ पर कर्मी हैं, जो वहाँ पर सफाई कर्मी हैं या जिस तरह से भी जो छोटे कर्मी होते हैं, क्या उनमें महिलाओं की भूमिका नहीं होनी चाहिए? उनमें महिलाओं की भूमिका होनी चाहिए ताकि बच्चों को सुरक्षा बल मुहैया करा सके. इन सारी चीज़ों को सुनिश्चित करना काम है और साथ में उन लोगों के खिलाफ एक्शन जितना सख्त किया गया, जिस तरह से हथकड़ियाँ लगा के उनको जो प्रदर्शनकारी हैं वो निकल रहे हैं, उनकी वीडियो वायरल हो रही है, उससे साफ जाहिर होता है कि सरकार की मंशा क्या है. सरकार इस मुद्दे को दबाना चाहती है पर ये मुद्दा अब दबेगा नहीं, क्योंकि महाराष्ट्र की बच्चियों का सवाल है. ये सवाल है बदलापुर की उस बच्ची का जिसके ऊपर ये यौन अपराध हुआ. आप बताइए एक बच्ची के मानसिक पटल पर कितनी बुरी तरीके से ये सारी चीज़ें छप जाती हैं ताकि वो जीवन भर इन चीज़ों को कभी भूल नहीं पाए. ये अन्याय है, ये अपराध है और इस अपराध और अन्याय की इतनी सख्त सजा होनी चाहिए ताकि कभी भी कोई भी इस घटना को क्रम देने से पहले 10 बार सोचे, उसकी रूह का चाहे. इस तरह के जो है पूरी तरीके से सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए और हम चाहते हैं कि इसमें जो स्कूल प्रशासन की जो भूमिका है वो भी पूरी तरीके से सुनिश्चित करनी चाहिए. जो भी स्कूल के जिम्मेदार लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए. स्कूल पर अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई ना होना ये अपने आप में साबित करता है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को बचाने का काम कर रही है. अखिल भारतीय काँग्रेसच्या प्रवक्त्या प्रियंका गुप्ता यांची सोलापूर शहर काँग्रेस कमिटीच्या वतीनं काँग्रेस भवन इथं पत्रकार परिषद आयोजित केली होती. यावेळी त्या बोलत होत्या.